Hello everyone, I am back with another short story with a lot of word meanings. So let's get started without any further ado. तो स्टोरी का नाम है अ मंकी बिजनेस. किंग विश्वसेना हैड अ ब्यूटीफुल गार्डन सराउंडिंग हिज पैलेस. जो किंग विश्वसेना थे, हैड मतलब उनके पास था, हैड यानि हम पास्ट की बात कर रहे हैं. अ ब्यूटीफुल गार्डन, एक बहुत ही खूबसूरत सा गार्डन था. सराउंडिंग, सराउंडिंग मतलब जो घिरा हुआ था चारों तरफ से. हिज पैलेस, जो उनका महल था, किससे घिरा हुआ था, उस खूबसूरत गार्डन से घिरा हुआ था. द गार्डन वॉज मेंटेन्ड बाय एन एक्सपर्ट गार्डनर. जो गार्डन था, जो बगीचा था, गार्डन मतलब बगीचा, वॉज मेंटेन्ड, क्या होता था, उसे मेंटेन किया जाता था या उसका रख रखाव किया जाता था. मेंटेन यानी ध्यान रखना, रख रखाव रखना, करना. बाय एन एक्सपर्ट, एक्सपर्ट यानि जो इस उस चीज़ का विशेषज्ञ था या गार्डनर था. भाई अब जो बगीचे का ध्यान रखता है उसे माली कहते हैं, और इंग्लिश में उसे कहते हैं गार्डनर. गार्डन यानि बगीचा, और जो उसकी देखभाल करे वो गार्डनर. एज द रॉयल फेस्टिवल वॉज अप्रोचिंग. अब जैसा कि रॉयल फेस्टिवल या त्यौहार आ रहा था, राजशाही त्यौहार, वॉज अप्रोचिंग मतलब आ रहा था त्यौहार, जैसे ही त्यौहार आ रहा था. द गार्डनर, जो माली था, प्लांटेड एक्सोटिक फ्लावरिंग प्लांट्स. उसने क्या किया, प्लांट होता है पेड़ पौधे, और प्लांटेड मतलब उसने लगाए या बोए. एक्सोटिक, एक्सोटिक मीन्स होता है अनयूजुअल और इंटरेस्टिंग, बिकॉज इट कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री और कल्चर. जो बाहर की चीज़ें रहती हैं या जो विदेशी चीज़ें रहती हैं, थोड़ी अलग हटके हमारी हमारी चीज़ों से या हमारे देश की जो चीज़ें रहती हैं उनसे अलग हटके, कल्चर से अलग हटके, तो उन चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं एक्सोटिक. ये कुछ भी हो सकता है, एक्सोटिक प्लांट्स, फ्लावर्स, कुछ भी. एक्सोटिक फ्लावरिंग प्लांट्स, तो जो माली था उसने क्या लगाए थे, उसने लगाए थे एक्सोटिक फ्लावरिंग मतलब विदेशी फूलों वाले पौधे लगाए थे. व्हेन दे ब्लूम्ड, व्हेन यानि जब, दे वे ब्लूम, ब्लूम मतलब होता है, एक तो होता है फ्लावर को भी कहा जाता है ब्लूम, और इसका वर्ब जो रहता है, ब्लूम मतलब एक नाउन की तरह यूज़ करेंगे और एक वर्ब की तरह हम यूज़ करेंगे, तो ब्लूम्ड, जब वह खिलेंगे, ब्लूम मतलब फूलों का खिलना. द गार्डन लुक्ड ब्यूटीफुल, जो गार्डन था, जो बगीचा था, वो कैसा लगेगा, वो बहुत खूबसूरत लगेगा. द गार्डन वॉज इनहैबिटेड बाय सम मंकीज. द गार्डन, जो बगीचा था, वॉज इनहैबिटेड. इनहैबिटेड मीन्स होता है वहाँ पे रहने की जगह, जिसका वो निवास स्थान हो. अ प्लेस टू लिव, ठीक है, मतलब कुछ बंदर वहाँ पर, सम मंकीज, वॉज इनहैबिटेड, वहाँ क्या करते थे, रहते थे. हु अलोंग विद द गार्डनर, जो क्या थे, अलोंग मीन्स होना, साथ होना. विद द गार्डनर, किसके साथ थे, उस मालिक के साथ ही थे. अलोंग विद द गार्डनर ऑल्सो लुक्ड आफ्टर. लुक आफ्टर मीन्स होता है किसी का केयर करना, किसी का ध्यान रखना, इसी के लिए यूज़ किया गया है लुक्ड आफ्टर. ऑल्सो लुक्ड आफ्टर, क्या देखते थे, द गार्डन, साथ ही वह क्या करते थे, देख रेख भी करते थे, किसकी, बगीचे की. वंस द गार्डनर हैड टू लीव. एक बार क्या हुआ, वंस यानि एक बार, द गार्डनर जो माली था, हैड टू लीव, उसे क्या करना पड़ा, उसे जाना पड़ा. लीव मतलब जाना. हैड टू, हैव टू मतलब करना पड़ता है, हैड टू मतलब करना पड़ा, पास्ट की बात हो रही है यहाँ पे. फॉर अ वीक, उन्हें क्या करना पड़ा, मालिक को जाना पड़ा, फॉर अ वीक, वीक यानि एक सप्ताह के लिए. ऑन एन अर्जेंट बिजनेस, कुछ अर्जेंट बिजनेस मतलब कुछ ज़रूरी काम के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ा. ही कॉल्ड द मंकीज, उसने क्या किया, माली ने सभी मंकीज को या बंदरों को बुलाया. एंड इंस्ट्रक्टेड, और क्या किया, इंस्ट्रक्ट किया या
सुझाव दिए, निर्देश दिए, इंस्ट्रक्टेड देम, उन्हें, वाटर द प्लांट्स, वाटर द प्लांट्स मतलब पौधों में पानी देना, टिल आई रिटर्न, टिल मतलब जब तक, ठीक है, आई रिटर्न मतलब मैं वापस आ जाऊं, मो डाउन द ग्रास, मो डाउन यानी होता है घास की कटाई करना, मो डाउन द ग्रास, घास की कटाई करना, रिमूव द वीड्स, रिमूव यानी होता है निकालना, द वीड्स, वीड्स होती है खरपतवार या जंगली पौधे जिन्हें हम कहते हैं, जो अनवांटेड होते हैं गार्डन में या उग जाते हैं और दूसरे पौधों को बढ़ने से रोकते हैं, उन्हें हम कहते हैं खरपतवार या वीड्स। एंड प्रून द प्लांट्स वेन एवर नीडेड, प्रून मीन्स होता है कटाई छटाई करना, ठीक है, एंड प्रून मतलब कटाई छटाई करना द प्लांट्स, जिन भी पौधों को आवश्यकता है, वेन एवर दे नीडेड, जब भी उन्हें ज़रूरत हो कटाई छटाई की तो उन्हें काटना। द मंकीज प्रोमिस्ड, जो बंदर थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रोमिस किया या वादा किया, टू ओबे, ओबे यानी होता है आज्ञा का पालन करना, ओबे हिम, उनकी बातों को प्रॉमिस किया और कहा कि हाँ वो वैसा ही करेंगे। द गार्डनर गेव देम वाटरिंग कैंस एंड लेफ्ट, जो माली था, गेव, गिव यानी होता है देना और गेव मतलब उन्होंने दिया, द वाटरिंग कैंस, वाटरिंग कैंस जिनसे पौधों में पानी डाला जाता है, एंड लेफ्ट, और वो चले गए। फ्रॉम द नेक्स्ट डे, फ्रॉम द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन से क्या हुआ, द मंकीज स्टार्टेड लुकिंग आफ्टर द गार्डन, जो बंदर थे उनने ध्यान रखना चालू कर दिया, लुक आफ्टर यानी ध्यान रखना, द गार्डन एंड वाटरिंग द प्लांट्स, उनने क्या कर दिया, बगीचे का ध्यान रखना चालू कर दिया और पौधों में पानी देने लगे। वेन द हेड मंकी सॉ, जब द हेड मंकी, हेड मतलब जो उनका लीडर होगा, हेड होगा, सॉ, उसने देखा ऑल दिस, यह सब, ही एडवाइज्ड देम, उसने क्या किया, उसने सलाह दी उन लोगों को जो बंकी काम कर रहे थे। हैव पेशेंस मतलब थोड़ा सा धैर्य रखो, डोंट वेस्ट वाटर, पानी की बर्बादी मत करो, वी मस्ट प्रिजर्व इट, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, वी मस्ट प्रिजर्व इट, डोंट वेस्ट वाटर, वी मस्ट प्रिजर्व इट, प्रिजर्व यानी किसी चीज़ को सुरक्षित रखना, सहेज कर रखना, ठीक है। आई हैव अ सॉल्यूशन, मेरे पास एक उपाय है, अपरूट ऑल द प्लांट्स, अपरूट मीन्स होता है किसी प्लांट को जड़ से निकालना, ठीक है, अपरूट करना, उसकी जड़ें निकाल देना, अपरूट, अपरूट मीन्स किसी प्लांट को जड़ से निकालना, अपरूट ऑल द प्लांट्स, सभी पौधों को जड़ से निकाल दो, मेजर द लेंथ ऑफ देयर रूट्स, मेजर यानी किसी चीज़ को नापना, मेजर द लेंथ जो उनकी लंबाई है, किसकी, उनकी रूट्स की, उनको नाप के, लेंथ यानी लंबाई, ऑफ देयर रूट्स, उनकी जड़ों की लंबाई नाप कर, एंड वाटर देम अकॉर्डिंगली, और वाटर देम, उनमें पानी डालो अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंगली मीन्स अनुसार, उसी के अनुसार, मोर वाटर फॉर द लॉन्गर रूट्स, मोर यानि अधर, अधिक वाटर, ज़्यादा पानी फॉर द लॉन्गर रूट्स, लॉन्गर यानि लंबी, रूट्स यानि जड़े, एंड लेस वाटर, लेस यानि कम वाटर फॉर द शॉर्टर वंस, और जो छोटी जड़ें हैं उनके लिए कम पानी, लेस वाटर। द मंकीज फॉलोड द एडवाइस, जो मंकी थे, सारे बंदर थे, फॉलोड, उनने क्या कर दिया, बात को मानना चालू कर दिया, द एडवाइस ऑफ देयर चिफ टेन, उनने एडवाइस या सलाह को मानना, किसकी सलाह को मानने लगे, चिफ टेन, चिफ टेन, CHIEFTAN, TAIN, चिफ टेन मीन्स होता है मुखिया, या उनका जो जो भी बंदरों का सरदार है, जो मुखिया है, चिफ टेन, ठीक है। सम ऑफ द मंकीज इमिडिएटली, उनमें से कुछ मंकी जो बंदर थे, इमिडिएटली मतलब तुरंत ही, गॉट इन टू द टास्क,
क्या करना चालू कर दिया, टास्क पे लग गए, अपने काम पे लग गए। ऑफ अपरूटिंग द प्लांट्स, मतलब पौधों को जड़ों से निकालने के काम पे तुरंत ही लग गए। वाइल सम अदर्स, जबकि सम अदर्स मतलब उनमें से कुछ और जो थे, मेजर्ड द रूट, भाई किसी ने पौधे निकाले और कोई उसको नाप के फिर उनमें पानी दे रहा था, वॉटर देम अकॉर्डिंगली एंड रीप्लांटेड देम इन टू द सॉइल। रीप्लांटेड मतलब पुनः उनको दोबारा से वापस से लगा देना, ठीक है। देम इन टू द सॉइल, सॉइल मीन्स होता है मिट्टी, मतलब निकाल के मेजर करके उनकी रूट्स को वापस से मिट्टी में लगा रहे थे। रीप्लांटेड देम इन टू द सॉइल, दे वॉटर्ड ऑल द प्लांट्स इन द गार्डन इन द सेम मैनर। दे वॉटर्ड मतलब उन्होंने क्या किया, इसी तरह से वह सभी पौधों में, प्लांट्स में, पेड़ों में पानी दे रहे थे। इन द गार्डन, बगीचे के सभी पेड़ों में इसी तरह से। इन द सेम मैनर, मैनर मीन्स उसी तरह से। जस्ट देन तभी, जस्ट देन मीन्स तभी, अ वाइज कर्टियर, एक जो वाइज मतलब होता है बुद्धिमान, कर्टियर मीन्स होता है दरबार का कोई व्यक्ति या दरबारी, अराइव्ड मतलब वहां पहुंचा। इन द गार्डन, गार्डन में पहुंचा, ठीक है। व्हेन ही सॉ, जैसे ही उसने देखा, सॉ मीन्स देखना, द मंकी एंगेज्ड, जो बंदर थे वह व्यस्त थे, एंगेज मतलब व्यस्त होना, इन द ऑकवर्ड बिजनेस, ऑकवर्ड मतलब अजीबो गरीब, बिजनेस यानी कार्य। जैसे ही उसने देखा कि जो सारे बंदर थे वो कुछ अजीबो गरीब सा काम कर रहे हैं और उस काम में वो बिजी हैं, ही सेड, उसने कहा, यू फूल्स, अरे ओ मूर्ख, वॉट आर यू डूइंग टू द प्लांट्स, कि वॉट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, टू द प्लांट्स इन पेड़ों के साथ, हु एडवाइज्ड यू, किसने तुम्हें सलाह दी, टू वॉटर द प्लांट्स इन दिस मैनर, टू वॉटर द प्लांट्स, वॉटर द प्लांट्स मीन्स पेड़ों में पानी डालने की, इन दिस मैनर, किसने तुम्हें यह सलाह दी कि तुम इस तरह से पेड़ों में पानी डालो। द मंकीज रिप्लाइड, जो मंकी थे उनने उत्तर दिया, रिप्लाई यानी उत्तर देना। आर चीफ द हेड मंकी, हमारे जो चीफ हैं, जो हमारे मुखिया हैं, द हेड मंकी जो सबसे बड़े हैं उनने, द वाइज मैन सेड, जो बुद्धिमान व्यक्ति था, इफ द हेड मंकी द सुप्रीम वन, अगर जो तुम्हारा मुखिया है जो सबसे बड़ा है, द सुप्रीम वन जो सबसे बड़ा है, इज सो फुलिश मतलब अगर वही सबसे मूर्ख है, देर इज नो वंडर, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है अबाउट यू बीइंग फुलिश, भाई जब आपका मुखिया ही मूर्ख है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप लोग किस तरह से काम कर रहे हो या आप लोग कितने मूर्ख हो, ठीक है। द मंकी सेड, जो बंदर थे उनने क्या किया, उनने कहा, यू ह्यूमन बीइंग, मतलब ह्यूमन बीइंग मीन्स होता है इंसान, जस्ट शट योर माउथ, शट यानी बंद करना, योर माउथ मतलब अपना मुंह बंद रखो, यू आर इंसल्टिंग आर चीफ, यू आर इंसल्टिंग, इंसल्ट यानी अपमान करना, आर चीफ हमारे चीफ या हमारे लीडर की या हमारे मुखिया की आप क्या कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। हाउ डू वी नो, हाउ मतलब कैसे, डू वी नो हम कैसे जानते, व्हाट अमाउंट मतलब कितनी मात्रा ऑफ वाटर अ प्लांट नीड्स, एक प्लांट को नीड यानी होता है जरूरत, कितनी मात्रा में पानी की जरूरत है, हम ये कैसे जानते हैं। इफ वी डोंट मेजर इट्स रूट, इफ वी डोंट अगर हम नहीं मापते, मेजर यानी मापना, इट्स रूट उसकी जड़ें, द वाइज मैन लेफ्ट द प्लेस, जो समझदार व्यक्ति था, लेफ्ट यानी उसने वह चला गया,
लीव याने होता है छोड़ना, और लेफ्ट मतलब छोड़कर चला गया। द प्लेस उस जगह को, डम्बफाउंड होता है एक एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव। और डम्बफाउंड का मतलब होता है एकदम हक्का बक्का या वेरी सरप्राइज कि भाई इनका तो अब ये सारे की सारे ही मूर्ख, इनका कुछ तो किया नहीं जा सकता, तो वो चुपचाप से उस जगह को खाली छोड़ के चला जाता है। और मोरल इस स्टोरी का क्या है? इट इज़ नो यूज़ गिविंग एडवाइस टू फूल्स। बिल्कुल सही बात भी है, क्योंकि अगर आप मूर्ख को एडवाइस दोगे, या तो वो आपसे बहस करेगा, लड़ेगा, या फिर वो आपको अपना शत्रु मान बैठेगा, बजाय ये सोचने के कि आप वो एडवाइस क्यों दे रहे हैं, उसके भले के लिए दे रहे हैं। सो मोरल है, इट इज़ नो यूज़ गिविंग एडवाइस टू फूल्स। तो ये थी शॉर्ट स्टोरी, और कैसी लगी अगर आपको ये स्टोरी, आप मुझे बताइएगा। और अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगली शॉर्ट स्टोरी में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।